वेलकम बच्चों, आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं। मटेरियल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, जहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। तो एक तो मैंने शॉर्ट लेक्चर डाला था, उसमें थोड़ा सा लास्ट में मुझे वॉइस का प्रॉब्लम लगा था, शायद 10 मिनट करीब वॉइस नहीं है, बट वो अभी रिकवर कर देंगे हम लोग उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं सेपरेटली उन चीज़ों पे डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, जिनके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं या जिनमें क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे आयरन कार्बन एकदम डायग्राम लगभग सबको बनाना आता होगा, और कार्बन परसेंटेज भी हर एक जगह पे रिएक्शंस वगैरह सबको पता होंगी। लेकिन जो कन्फ्यूजन रह जाता है वो छोटी चीज़ों में है, जैसे कि डिफरेंट टेम्परेचर लाइन्स। तो आइए अभी इस छोटे से टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, कि क्या डिफरेंट टेम्परेचर लाइन्स हम लोग आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम में डायग्राम में हमें याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं कहूँगा बच्चों कि व्हाट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट्स। सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट हम किसे बोलते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट्स हम उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर लाइन को बोलते हैं जहाँ पे समझ लीजिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहाँ पे हमारा फेज जो है वो बदलता है। द टेम्परेचर एट विच फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हीट ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। द टेम्परेचर एट विच फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ठीक है, वो टेम्परेचर जहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अब बच्चों इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट टेम्परेचर लाइन डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? यहाँ पे बच्चों आपको अलग अलग लाइन दिखाई दे रही है। एक लाइन 727 डिग्री सेल्सियस में दिखाई दे रही है आपको, जिसमें हमने A1 लाइन लिखा है ठीक है ना। 727 डिग्री सेल्सियस में आपको एक लाइन दिख रही होगी जिसमें मैंने A1 लाइन लिखा है, उससे ऊपर आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी ठीक है ना, उससे ऊपर जिसमें मैंने 768 पे A2 लिखा है, फिर ये एक लाइन इसमें A3 लिखा है, और ये एक लाइन इसमें ACM लिखा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करें बच्चों। जब हम बात करते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं A1 ठीक है ना, A1 लाइन की। तो आपसे पूछेगा A1 लाइन क्या शो करती है बच्चों? तो देखिए A1 लाइन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है एट 727 डिग्री सेल्सियस है ना, 727 डिग्री सेल्सियस पे लाइन है। और बच्चों इसके लाइन के इधर और इधर देखो क्या फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ठीक है। ये हम देखेंगे बच्चों इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे आपको याद होगा कार्बन परसेंटेज आपने कितनी ली थी, 0.8, जहाँ पे हमारी ब्यूटेक्टॉइड रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे कार्बन परसेंटेज होती है 0.8। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों दिस मिक्सचर इज कॉल्ड फेराइट प्लस सीमेंटाइट, मतलब परलाइट हमने से बोला था। तो ये परलाइट इस हिस्से में हम देखें 0.8% ऑफ कार्बन में अगर हम देखें तो परलाइट किस में बदल रहा है बच्चों, यहाँ पे ऑस्टेनाइट में। ये गामा आयरन है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेनाइट। तो परलाइट जो है वो ऑस्टेनाइट में चेंज हो रहा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑस्टेनाइट का यही है ठीक है ना, सबसे लो टेम्परेचर में। तो 727 में जब परलाइट ऑस्टेनाइट में चेंज होता है तो दैट लाइन इज कॉल्ड A1 लाइन, वेयर परलाइट टू ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस मिशन। तो मतलब अल्फा प्लस Fe3C विल बी कन्वर्टेड इनटू गामा आयरन, क्लियर है। तो परलाइट जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो एक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा प्लस Fe3C कन्वर्टेड टू गामा आयरन। अब बच्चों दूसरी बात आती है हमारी, व्हाट इज कॉल्ड, ये हमने बात करी थी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की, अब दूसरी बात आती है हमारी व्हाट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर लाइन। दैट इज इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यूरी टेम्परेचर लाइन पेपर में आ चुका है। क्यूरी टेम्परेचर लाइन क्या है? तो बच्चों क्यूरी टेम्परेचर लाइन मतलब A2 लाइन जिसे हम कहते हैं ठीक है ना, क्यूरी टेम्परेचर लाइन मतलब A2 लाइन। तो A2 लाइन से हम क्या समझते हैं ठीक है ना, देखिए आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम से बाकी क्वेश्चन आने के चांस शायद कम हो, क्योंकि वो उन्होंने स्पेशली कहीं हाईलाइट नहीं किया आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम ना, तो बाकी क्वेश्चन आने के चांसेस भले ही कम हो लेकिन सबसे ज़्यादा आने के चांसेस वो हैं जो हीट ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी टेम्परेचर लाइन जो है वो हीट ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई होती है बच्चों, इसलिए बहुत अच्छे से इन लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्यूरी टेम्परेचर
लाइन, क्यूरी टेम्परेचर लाइन मतलब ए टू लाइन, और ए टू लाइन जो है हमारी किस टेम्परेचर पे बच्चों, 768 डिग्री सेल्सियस, तो दैट इज एट 768 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ क्या होता है बच्चों, फेराइट जो मैग्नेटिक होता है वो नॉन मैग्नेटिक फेराइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, फेराइट जो मैग्नेटिक होता है वो नॉन मैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है, तो मीन्स मैग्नेटिक टू नॉन मैग्नेटिक, इट मीन्स ऐसे भी लिखा सकता है और ये भी लिखा सकता है कि फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना, फेराइट जो मैग्नेटिक फॉर्म में है दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक। तो यहां जो बच्चों है वो प्रॉपर्टी बदलती है, ठीक है ना, फेज नहीं, प्रॉपर्टी यहां पे बदलती है, फेज सेम रहता है, तो याद रखिएगा सेम फेज, फेज नहीं बदलता यहां पे, सिर्फ प्रॉपर्टी बदलती है, ठीक है। तो ये मैंने बीच में ऐड कर दिया, क्यूरी टेम्परेचर लाइन, क्लियर है बच्चों, इतना समझ गए आप सभी लोग। अब थर्ड आता है बच्चों हमारे पास, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, इसको बोलेंगे हम लोग A3 लाइन, ठीक है, दैट इज अवर A3 लाइन। तो A3 लाइन बच्चों कौन सी हमारी, ये देखिए ये वाली है A3 लाइन हमारी ना, दिस वन इज A3 लाइन, और A3 लाइन से इधर क्या है बच्चों, अल्फा आयरन है जो फेराइट है हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है A3 लाइन में, वो जाके ऑस्टेनाइट में 100%। भाई इस तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अल्फा प्लस ऑस्टेनाइट होगा, तो मतलब यहाँ अल्फा फेराइट और ऑस्टेनाइट का मिक्सचर है, लेकिन A3 के बाद क्या है, कम्प्लीटली ऑस्टेनाइट कन्वर्ट हो जा रहा है, तो फेराइट जो है वो कम्प्लीट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब 100% ऑस्टेनाइट मिलता है हमें A3 लाइन के बाद। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि अब इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, अगर आप यहाँ देखोगे तो टेम्परेचर 910 है, तो ये 768 से 910 के बीच में ये प्रोसेस होती है, 727 से 910 है ना, तो ये प्रोसेस जो है वो 727 डिग्री सेल्सियस टू 910 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है बच्चों, जहाँ पे टोटल फेराइट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 100% ऑस्टेनाइट में। 100% क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कन्वर्ट होना तो वो पहले से शुरू हो गया है, लेकिन इसके बीच में क्या है, मिक्सचर है, तो वो 100% कन्वर्ट हो जाता है ऑस्टेनाइट में पूरी तरह से, ठीक है ना, पूरी तरह से ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक बड़ा फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज इट बिकम BCC टू FCC, BCC से FCC में कन्वर्ट होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम हायर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, ठीक है ना, तो दैट इज हायर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, दैट इज लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। तो याद रखिएगा ये होगी A1 इज लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन एंड A3 इज हायर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आई ना हो, तो अब लास्ट लाइन के बारे में भी पढ़ते हैं। लास्ट बच्चों हम लोग यहां पे देखेंगे, आई होप आप लोगों को यहां पे दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड, हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट लाइन, इसका कोई खास नाम तो नहीं है, इसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं, ये हायर है, ये तो कन्फ्यूजन ना हो, तो इसको हम सीधा ACM लाइन ही लिख देते हैं बच्चों, ACM लाइन। ये ACM लाइन क्या है, तो अगर आप देखें, देखो ग्राफ से ही सब समझ में आएगा, अगर आप ACM लाइन देखें बच्चों, तो ACM लाइन के इधर क्या है, गामा प्लस Fe3C, मतलब ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट है, गामा प्लस Fe3C, तो ये इसको हमने लेडियोबोराइट भी बोला था, लेडियोबोराइट, ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं कि सीमेंटाइट, इधर पूरा सीमेंटाइट है बच्चों, 6.67% कार्बन जहां है वहां पूरा सीमेंटाइट है। अब ये सीमेंटाइट जो धीरे धीरे ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ACM लाइन के बाद ये पूरी तरह से ऑस्टेनाइट है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ACM कौन सी लाइन है, वेयर सीमेंटाइट कन्वर्ट इंटू 100% ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट जो है वो 100% ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सीमेंटाइट है Fe3C, वैसे तो मिक्सचर है, तो धीरे धीरे मिक्सचर हो रहा है, लेडियोबोराइट बना रहा है, और उससे वो 100% ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको भी आप देखो तो ये कहाँ से कहाँ तक हो रही है प्रोसेस, 727 में शुरू हो रही है और 1147 तक ये चलता रहता है, तो 727 to 1147 डिग्री सेल्सियस,
ताकि प्रोसेस जो है वो कंडक्ट होती है। तो बच्चों ये थी हमारी डिफरेंट टेम्परेचर लाइंस जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप कि एक आधा क्वेश्चन को इस लाइन से जरूर बने जिससे कि हम लोग इसका आंसर आराम से कर पाएं। क्लियर है बच्चों? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये बात। देखिए बच्चों, तो सुबह हम लोग थोड़ा हीट ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मैंने जनरल प्रोसेस डिस्कस की थी और शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की कुछ और चीज़ें जिनमें कन्फ्यूज़न होता है उनको भी डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मैं लेता हूँ बच्चों एनीलिंग। एनीलिंग में आप लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी कि 910 ऑस्टेनाइट रेंज तक जो है हीट अप टू ऑस्टेनाइट रेंज तक हम लोग हीट करते हैं, और वो ऑस्टेनाइट रेंज क्या है, 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच तक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेंज कहाँ तक जा रही है बच्चों, ये क्रिटिकल टेम्परेचर जो हमने बनाए थे ना, अपर क्रिटिकल और लोअर क्रिटिकल, उससे ऊपर यहाँ पे हम लोग इसे हीट अप कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें और क्या क्या वेराइटी हम लोग को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब कहने की बात यह है कि एक तो हो गया जनरल, हमें क्या अप्रोच है हमारा, तो अप्रोच यही है सिंपल कि हम इसे हीट अप करें और कूलिंग करें हम सबसे स्लोएस्ट कूलिंग मीन रिमेन इन दी फर्नेस, फर्नेस पे ही हम इसे छोड़ दें। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जितना फास्ट कूलिंग करोगे उतना फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगा, जितना स्लो कूलिंग करेंगे उतना कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ग्रेन जो हैं वो मिलते हैं यूनिफॉर्म कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इनसे जनरली कैरेक्टर क्या होता है, डक्टिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। स्ट्रेस रिलीफ होता है, जो इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हैं वो रिलीफ होते हैं, मशीनेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। अब बच्चों अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या है, ये सब पॉइंट लगभग सबको एनीलिंग के पता होते हैं। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है बच्चों कि व्हाट इज़ कॉल्ड फुल एनीलिंग। इसके टाइप्स अगर हम पढ़ें तो फुल एनीलिंग क्या होता है उसकी बारीकियाँ देखनी पड़ जरूरी हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं एक ग्राफ से आपको बताता हूँ, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे मैंने उस ग्राफ का जो हमारा आयरन कार्बन क्यूब डायग्राम है उसका ही एक पार्ट है समझो, यहाँ पे जो हमने नीचे बनाया था ये चीज़ यहाँ जुड़ी हुई थी तो आपने देखा था। तो उसके इस पार्ट में अगर आप देखें तो ये थी हमारी बच्चों A1 लाइन, जो भी हमने देखा वो है हमारी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, है ना, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन मतलब 727 डिग्री सेल्सियस पे, और इससे ऊपर जो हमारी A3 और ACM थी, हायर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन जिसे हमने बोला था, तो ये थी हमारी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। तो बच्चों होता क्या है इसमें, अब हम फुल एनीलिंग अगर कर रहे हैं तो फुल एनीलिंग मतलब हम अपने मटेरियल को प्रॉपरली डक्टाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, उसकी मशीनेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं या उसके अंदर से कोई भी स्ट्रेसेस है उनको रिलीफ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो रेंज होती है A3 और ACM, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, इस अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से ऊपर कम से कम 30-35 से लेके 60-70 डिग्री सेल्सियस ऊपर अबव हम उसे हीट अप करते हैं। तो यहाँ पे होता है बच्चों हमारा कंप्लीटली ऑस्टेनाइट गामा आयरन, दैट इज कंप्लीटली ऑस्टेनाइट फॉर्म। तो आप उसे 100% ऑस्टेनाइट फॉर्म तक हीट अप करते हो जैसे कि हमने वहाँ लिखा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कार्बन परसेंटेज है बच्चों, तो अलग अलग कार्बन परसेंटेज के हिसाब से है ना, यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, तो 0 से यहाँ पे 0.8 है और यहाँ पे आगे समझो 2 भी होगी कार्बन परसेंटेज। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम लोग यहाँ से अलग अलग कार्बन परसेंटेज के हिसाब से उसे हीट अप करते हैं और करीब 3 से 4 मिनट तक उसे छोड़ देते हैं उसी सिस्टम में, ठीक है ना। उसके बाद कूलिंग कैसे करते हैं बच्चों, तो जैसे हमने बोला एनीलिंग में स्लोएस्ट कूलिंग होती है, तो आप उसे फर्नेस में ही छोड़ देते हो ताकि वो स्लो स्लो धीरे धीरे ठंडा हो, और धीरे धीरे ठंडा होकर क्या बनेगा, तो बच्चों आपको पता है 0.8 कार्बन परसेंटेज तक यहाँ तक हमारी जो रिएक्शन होती है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोयूटेक्टॉइड, इसको हम हाइपोयूटेक्टॉइड बोलते हैं, और 0.8 से 2 तक हमें पता है इसको हम हाइपर यूटेक्टॉइड बोलते हैं, ठीक है, यूटेक्टॉइड। तो ये हाइपोयूटेक्टॉइड हाइपर, अगर आप हाइपर से कूल हो रहे हैं तो देखिए हाइपर वाली कार्बन परसेंटेज में अगर आप यहाँ से जाके कूल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे होता है बच्चों फेराइट और इधर होता है परलाइट, तो फेराइट प्लस परलाइट। और अगर हम इधर से 0.8 से हाइपर यूटेक्टॉइड के हिसाब से यहाँ से कूल हो रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे क्या होता है आपका
फेराइट, यहाँ पे समझो परलाइट, ठीक है ना, और हमारा सीमेंटाइट, ठीक है ना, इधर आ जाएगा ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे आपको इस पूरी प्रोसेस को, बच्चों इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फुल एनिलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे फुल एस्टेनाइट तक हीट अप करने के बाद उसे स्लोएस्ट कूल किया जाता है। तो उसमें आइदर इस कार्बन परसेंटेज के लिए हाइपो के लिए ये वाली फॉर्म मिलती है, और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए ये वाली फॉर्म मिलती है, ठीक है ना, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील एंड हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं फुल एनिलिंग। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड प्रोसेस एनीलिंग, ठीक है। तो देखिए बेसिक से अंतर आपको समझना होगा, प्रोसेस एनीलिंग क्या है फिर। तो प्रोसेस एनीलिंग बच्चों बड़ी चीप प्रोसेस होती है, चीप होती है, सिंपल होती है, ठीक है ना, और यूज्ड इन लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील में यूज होती है ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में देखिए ये थी हमारी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज। तो बच्चों याद रखिएगा, प्रोसेस एनीलिंग में हीटअप किया जाता है बिलो बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज। आपको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज से बिलो हीटअप करना, मतलब 727 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हीटअप करना है, लगभग 650-500, मतलब 50 डिग्री लगभग नीचे, ठीक है ना, हमें हीटअप करना है। 550 to 650 कह सकते हैं लगभग रेंज, 550 to 650 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं रेंज, इतनी रेंज तक लगभग हमें हीटअप इसे किया जाता है। तो देखिए इससे नीचे हीटअप है तो देयर विल बी नो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, नो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। यहाँ लोअर, जैसे हमने फुल एनीलिंग में क्या बोला कि अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हमें हीटअप करना है, तो यहाँ पे बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हीटअप करना है, जिसकी वजह से कोई भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे सिंगल फेज में ही आपका मेटल रहता है। फिर उसे स्लोली यहाँ पे कूल करते हैं, जिससे कि उसकी डक्टिलिटी वगैरह इंप्रूव हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेनली ये प्रोसेस है, एक तो इजी टू अप्लाई होती है, क्विक प्रोसेस होती है, इसलिए प्रोसेस एनीलिंग यूज होते हैं, क्योंकि फुल एनीलिंग के कंपेयर में थोड़ी सी हमें चीप भी पड़ती है ये प्रोसेस। तो दैट्स वाई ये यूज्ड इन शीट मेटल एंड वायर वायर फॉर्मिंग, इनके लिए ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी यूजफुल होती है, जो उसको थोड़ा सा सरफेस को उस हिसाब से फुल एनीलिंग के कंपेयर में हमें ये प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, और ना ही कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा टाइम टेम्परेचर दोनों ही जो है वो कम लगता है। तो मतलब एक कम इनपुट में एनीलिंग का इफेक्ट आपको देता है, इसलिए हम लोग इसे लो कार्बन स्टील में यूटिलाइज करते हैं इस प्रोसेस को। देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारी प्रोसेस होती है एनोमलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में हमें भी वहाँ भी हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इसे अप टू ऑस्टेनाइट रेंज तक, ऑस्टेनाइट रेंज तक हीट करते हैं, ठीक है ना, वही 910 से 1400। और अगर डायरेक्टली बोलें हम लोग क्या, तो अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना, तो लगभग 50 से 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज हमने देखी थी अभी, उससे ऊपर जो हम इसे हीट करते हैं नॉर्मलाइजिंग में। नॉर्मलाइजिंग में बस अच्छी बात ये होती है बच्चों, ये प्रोसेस एनीलिंग के कंपेयर में फास्ट होती है, ठीक है ना, तो डक्टिलिटी वगैरह उतनी ज़्यादा तो नहीं मिलती हमें, तो थोड़ा सा लेस डक्टाइल होता है यहाँ पे मटेरियल, तो एक तरह से कह सकते हैं कि डक्टिलिटी में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाता है, डक्टिलिटी कम रखता है। लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट जो मेन चीज़ है वो है इसकी प्रोसेस की फास्टिंग, क्विक प्रोसेस होती है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम लोग फर्नेस पे कूल नहीं, स्लोएस्ट कूलिंग नहीं, कूलिंग थोड़ी सी फास्ट कर देते हैं, मतलब एयर कूलिंग करते हैं, ठीक है ना, एयर कूलिंग यहाँ पे की जाती है, जो कि कूलिंग एनिलिंग के कंपेयर में थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेनली प्रोसेस है हमारी, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो फाइन ग्रेन साइज स्ट्रक्चर मिलता है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिलता है। और दूसरी बात कहें तो यहाँ पे जो हार्डनेस और स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ विल बी हायर देन एनिलिंग, एनिलिंग से ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। लेकिन डक्टिलिटी, डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी विल बी लेस,
और अगर हम बात करें रेसिडुअल स्ट्रेसेस, जो हमने बोला था कि बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस रह जाते हैं, एनीलिंग से बहुत आसानी से वो स्ट्रेसेस रिलीव हो सकते हैं। जैसे आपने कोई प्रोसेस करी, मानो रोलिंग प्रोसेस करी है, तो रोलिंग प्रोसेस करने की वजह से उस बॉडी के अंदर क्या है, स्ट्रेसेस डेवलप हो गए हैं, तो वो स्ट्रेसेस जो हैं वो रिलीफ एनीलिंग से बहुत आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से स्ट्रेसेस रिलीफ नहीं हो पाते, तो हम ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट रिलीफ फ्रॉम रेसिडुअल स्ट्रेसेस। रेसिडुअल स्ट्रेसेस पूरी तरह से ख़त्म ये प्रोसेस नहीं करती है, तो इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास प्रोसेस आती है, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कई बार, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड स्फीरियोडाइजिंग। स्फीरियोडाइजिंग प्रोसेस क्या होती है, तो बच्चों याद रखिए, जब परलाइट को, ठीक है ना, परलाइट को हीट किया जाता है बिलो यूटेक्टॉइड रेंज, ठीक है ना, परलाइट इज हीटेड बिलो यूटेक्टॉइड रेंज, टेम्परेचर रेंज, और उसको वहां पे छोड़ दिया जाए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना, एंड हेल्ड एट द टेम्परेचर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। जैसे जनरली क्या होता है कि उस 900 टेम्परेचर के रेंज में हम लोगों ने इसे पूरा पूरे दिन के लिए छोड़ दिया, कि लॉन्ग ड्यूरेशन पूरे दिन के लिए अगर इसे हम छोड़ देते हैं, तो परलाइट बच्चों ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है एक स्फेरिकल शेप की स्ट्रक्चर में, परलाइट ट्रांसफॉर्म्ड इंटू स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग स्फेरोडाइज बोलते हैं, ठीक है ना, इसीलिए समझो बच्चों इसका नाम है स्फेरोडाइजिंग प्रोसेस, क्योंकि स्फेरिकल छोटे छोटे स्फेरिकल शेप की फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और उसकी अच्छी बात रहती है, इट हैज़ हायर टफनेस, इसकी टफनेस जो है वो काफ़ी हाई रहती है इस फॉर्म की, ठीक है ना, बस जो हार्डनेस है वो लोअर देन रहती है, हार्डनेस इज लोअर देन परलाइट, हार्डनेस जो है वो परलाइट से बच्चों कम रहती है, हार्डनेस इज लोअर देन दी परलाइट, क्लियर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डक्टिलिटी वगैरह हमें ज़्यादा बेटर मिलती है, तो इट रिजल्ट्स इनटू मैक्सिमम डक्टिलिटी, क्लियर है बच्चों, समझ आ गई बात। तो बच्चों नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है यहाँ पे हार्डनिंग। हार्डनिंग बच्चों हम लोग करते हैं एप्लीकेबल टू हाई कार्बन स्टील में हम लोग हार्डनिंग करते हैं, और हार्डनिंग का मेन क्या होता है कि हम जो हीटअप करते हैं बच्चों, वो करते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस टू 1300 डिग्री सेल्सियस, या जनरली हम लोग बोलें कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं हाइपोयूटेक्टाइड स्टील, तो हाइपोयूटेक्टाइड स्टील के लिए हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीटअप करते हैं, और हाइपर यूटेक्टॉइड के लिए हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, समझे, तो हाइपो यूटेक्टॉइड अगर स्टील कह रहे हैं तो हम लोग हीटअप करेंगे अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड अगर हाइपर की बात करें तो दैट विल बी अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और सबसे मेन चीज़ जो है इसमें बच्चों वो कूलिंग है, कि कुछ देर के लिए हम लोग उसी डेफिनेट टेम्परेचर पे रखते हैं, और उसके बाद द फास्टेस्ट कूलिंग करते हैं हम लोग, फास्टेस्ट कूलिंग करते हैं विद वाटर या ब्राइन सॉल्यूशन या कोई मिनरल ऑयल, ठीक है ना, जो हमारी कहलाती है क्वेंचिंग। तो वाटर के साथ अगर हम करें तो दैट इज़ कॉल्ड क्वेंचिंग, इस प्रोसेस को हम लोग क्वेंचिंग करना कहते हैं बच्चों, कि वाटर में कूल करना, तो फास्टेस्ट कूलिंग होती है, तो जिससे होता क्या है बच्चों, ऑस्टेनाइट रेंज तक हीटअप करने के बाद हम उसे जब फास्टेस्ट कूलिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो फॉर्म बनती है बच्चों वो बनती है द हार्डेस्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मार्टेनसाइट। तो वो हार्डेस्ट फॉर्म जो बनती है बच्चों वो होती है हमारी मार्टेनसाइट, तो मार्टेनसाइट हमारी हार्डेस्ट फॉर्म यहाँ पे फॉर्म होती है। और याद रखिए बच्चों, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ऑस्टेनाइट
टू मार्टेनसाइट, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना, ऑस्टेनाइट का मार्टेनसाइट में पॉसिबल कन्वर्जन नहीं हो पाता है 100%। तो ऐसे में कुछ रिमेनिंग ऑस्टेनाइट जो होता है, जो रिमेनिंग ऑस्टेनाइट होता है हमारा, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मार्टेनसाइट में, ठीक है ना, जो बचा हुआ ऑस्टेनाइट है उसको भी हम कन्वर्ट करते हैं मार्टेनसाइट में थ्रू सम प्रोसेस लाइक हीट अप अगेन अगेन ऑफ सच टेम्परेचर रेंज, उसी टेम्परेचर रेंज तक हीटअप करें हमें, दैट इज कॉल्ड टैम्परिंग, ठीक है ना, या फिर कोई हम उसमें जो है वो डिफॉर्मेशन लाएं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डेवलप करें, उससे हार्डनेस इंक्रीज होगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डेवलप करें, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बचे हुए ऑस्टेनाइट को मार्टेनसाइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, या तो उसे हीट अप करें उसी टेम्परेचर रेंज तक, या फिर हम लोग क्या करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो जिसको हम टैम्परिंग भी कहते हैं, और या फिर हम लोग क्या करें यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लाएं उस तरह के सिस्टम में, ठीक है। तो बच्चे जब टैम्परिंग की जाती है तो टैम्परिंग हाई टेम्परेचर टैम्परिंग खासकर जब हम करते हैं, बाकी एक मैंने आपको ये भी बताया था, मॉर्निंग में ही बताया था ये चीज़ कि यू कैन प्लेस फॉर बिलो ज़ीरो टेम्परेचर, ठीक है ना, बिलो ज़ीरो टेम्परेचर पे भी आप इसका काम कर सकते हो। अब हीट टेम्परेचर के साथ हमने दो चीज़ आपको बताई थी, एक बताया था मैंने कि जब हाई टेम्परेचर रेंज पे हीटअप करते हैं, रेंज पे हीटअप करते हैं जिसको हम हाई टेम्परिंग बोल रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों एक फॉर्म बनती है, दैट इज़ कॉल्ड बायोनाइट। अब बायोनाइट हैज़ वेरी हाई टफनेस, ठीक है ना, तो ये हमने कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई थी, मॉर्निंग में भी हल्का फुल्का इसका जिक्र हमने किया था। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आई सबके? तो बच्चों इसी को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँ ये टैम्परिंग वाला फंडा, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, दो तरह की टैम्परिंग बच्चों जनरली हम देखने को मिलती हैं, एक होती है मार टैम्परिंग और एक ऑस टैम्परिंग। तो मार टैम्परिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मार टैम्परिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो मार टेम्परिंग होती है कि जब हम मेटल को हीट अप करके क्वेंचिंग करते हैं, क्वेंचिंग इन वाटर, इन वाटर, तो सडन क्या होती है, ये फास्ट कूलिंग होती है, फास्ट कूलिंग होती है, और उसके बाद इससे थोड़ा लो टेम्परेचर में हम तुरंत डिप करते हैं, इसके बाद जैसे कोई मिनरल ऑयल में, ठीक है ना, विद लो टेम्परेचर देन वाटर, या उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर, मतलब यह है कि वाटर का तो टेम्परेचर वो होगा काफ़ी नीचे होगा, तो उससे थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर। तो इसी से बच्चों हम लोग कह रहे थे कि ऐसा करने पे जब क्वेंचिंग वाटर में की जाए उसके बाद मिनरल ऑयल में की जाए जो थोड़ा सा लेस टेम्परेचर मीडियम रहेगा, तो उसी की वजह से हम लोग को यहाँ पर क्या बायोनाइट फॉर्म मिलती है, ठीक है, बायोनाइट फॉर्म मिलती है। और जब बच्चों इसी को लॉन्गर पीरियड के लिए किया जाए, फॉर लॉन्गर पीरियड्स के लिए किया जाए, थोड़ा लंबे समय तक इस चीज़ को रखा जाए जहाँ पे 100% बायोनाइट हमें मिल पाए, पूरा कन्वर्जन हो पाए और 100% बायोनाइट मिल पाए, तो यही कहलाती है बच्चों ऑस टैम्परिंग, ठीक है ना। तो जब हम सिर्फ मीडियम, इस मीडियम से उस मीडियम में डाल रहे हैं और बायोनाइट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड मार टैम्परिंग, और जब हम उसे लॉन्गर पीरियड के लिए रखें और कम्प्लीटली 100% बायोनाइट में कन्वर्ट करें, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑस टैम्परिंग। तो ये होती है बच्चों हमारी मार टैम्परिंग एंड ऑस टैम्परिंग, क्योंकि इन सब चीज़ों का कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है, तो थोड़ा थोड़ा क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। तो कभी कभी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्टेप्ड क्वेंचिंग किसे बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे दो स्टेप में क्वेंचिंग हो रही है बच्चों, वाटर में फिर मिनरल ऑयल में, तो याद रखिएगा मार टैम्परिंग को ही स्टेप्ड क्वेंचिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को हम लोग स्टेप्ड क्वेंचिंग भी बोलते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, बाकी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस या केस हार्डनिंग प्रोसेस मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस की हैं, आप उसे मेन लेक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और स्टिल कोई कन्फ्यूज़न आपको रहता है किसी प्रोसेस को लेके, तो प्लीज़ आज ही जो मैंने टाइम डिसाइड किया है, देखिए बच्चों डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों को लेके भी, क्योंकि हर बच्चा सोचता है कि सिर्फ मैं ही मैसेज कर रहा हूँ, ऊपर से उसमें कोई PDF के मैसेज, मतलब मेरे को फ़ोन का जो करेक्ट यूज़ हो सकता था डाउट सेशन, इसीलिए देखिए काम, मतलब मेहनत पूरी लग रही है लेकिन काम एफिशिएंट तब तक नहीं होगा बच्चों जब तक माइंड सही काम नहीं करेगा। तो यही हो रहा है, कंसंट्रेशन सही से बैठ नहीं रहा है, वो इसी वजह से नहीं बैठ रहा है क्योंकि अगर इस तरह की कोई दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने आज आपको क्लियर बोला था, क्योंकि आप लोगों का भविष्य सबसे पहले है बच्चों, पेपर सामने है, तो कोई भी तरह की लापरवाही हम नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि
मेहनत, मतलब ये सबसे और भी वर्स्ट केस हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग डायरेक्टली सामने नहीं हो तो आपको नहीं पता कि यहाँ कौन मेहनत कर रहा है, कितनी कर रहा है हमारे लिए, है ना, इस चीज़ का आइडिया नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मेरी मेहनत सिर्फ एक ही चीज़ से दिख सकती है बच्चों, कि आपका पेपर में कितना बेनिफिट होता है। अगर मैं पूरी दिन रात भी यहाँ एक करूँ, उसके बाद भी आपको पेपर में कोई बेनिफिट नहीं होता, तो आपके लिए मैंने मेहनत कुछ नहीं करी है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे मौका तभी मिलेगा जब माइंड अपना कंसंट्रेट रहेगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बोला था, क्योंकि बाकियों को तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोगों को डायरेक्टली बोला था, क्योंकि एक ही टाइम रखेंगे जहाँ पर आप अपने मुझे डाउट्स वगैरह भेजिएगा, या डाउट भेजिएगा, या फिर जो सेशन चल रहा होगा, बहुत अच्छा होगा बच्चों, जो सेशन बीत गया है या जो चल रहा है उसके डाउट भेजें, जो चलने वाला है उसके डाउट ना भेजें, क्योंकि टीचर भी एक इंसान है, 12-12 सब्जेक्ट एक साथ दिमाग में नहीं रहते हैं, और एकदम से कोई ऐसे सब्जेक्ट का डाउट बच्चा पूछता है तो इतना ब्रिलियंट नहीं है हम लोग कि चलो बेसिक से कोई क्वेश्चन हो तो हो जाता है, लेकिन इतने ब्रिलियंट भी नहीं है कि कोई किसी का टेम्परेचर रेंज पूछे और मैं आज पढ़ा रहा हूँ कुछ और वो कोई और सब्जेक्ट है और एकदम से मैं बता दूँ, है ना। और फिर वही होता है कि आंसर उस टाइम पे नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मैसेज कहीं का कहीं दब जाएगा। तो यही नॉर्मली होता है, इसलिए पूरी ऑनेस्टी से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो होती हैं, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि जब मेहनत हो रही है तो उसका एफिशिएंट यूज़ हो, तो इसलिए बच्चों समझदारी से चलेंगे। क्या कि रोज़ मैंने आपको बोला कि 4 से 5 का टाइम आप अपना फिक्स रखिएगा, जो भी टाइम मैंने आपको मैसेज में लिख के दिया था, 4 से 5 का टाइम आप अपना फिक्स रखिएगा कि उस टाइम पे आप पर्सनली जो नंबर आप लोगों के पास है, ठीक है ना। और प्लीज़ बच्चों इस नंबर पे कोई भी बच्चा मैसेज ना करे, इस नंबर पे मैं कोई रिप्लाई किसी को नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। इस नंबर को आपको सिर्फ पेमेंट वेमेंट के लिए दिया गया था जब PDF वगैरह दी गई थी, ये नंबर कॉल और रिप्लाई करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे आपको बोला है कि मैसेज करिए, तो रोज़ मैंने बोला है 4 से 5 बजे करीब डेली, कम से कम एक साथ मैसेज आएंगे जो भी आएंगे, 4 से 5 आप अपने डाउट्स जो भी हैं प्रीवियस सेशन को लेके, पेपर को लेके, पेपर के कन्फ्यूज़न को लेके, या जो करंट में मिस्टेक किसी पेपर में है या आपको डाउट लग रहा है उसको लेके, या आप चाहते हो कि कल के लेक्चर में सर इस टॉपिक को भी इंक्लूड करें, उनको भी लेके, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से ज़्यादा बेटर होगा कि कल जो लेक्चर होगा उसमें आपकी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल होगी बच्चों, जो आपके डाउट है वो मैं ले पाऊंगा, ठीक है ना। तो आज जैसे आप मैसेज करेंगे तो जो भी अभी तक लेक्चर हुए हैं उनको लेके, या कोई टेस्ट पेपर में डाउट हुए हैं, जैसे मैकेनिक्स में कुछ क्वेश्चंस में डाउट होगा आपको, उनको लेके, ठीक है। ऐसे कोई भी चीज़ें हैं बच्चों, वो आप इस 4 से 5 फिक्स ड्यूरेशन बना लीजिए अपना, 4 से 5 में मैं सर को ये डाउट या ये मैसेज भेजूंगा, तो बस 4 से 5 आप भेजेंगे, उसके बाद कोई मत भेजे, उसके बाद पूरा मोबाइल दिन भर शांत रहना चाहिए, फिर 5 से 6 में आराम से वो मैसेज देखूं और आपके आंसर करूं, क्योंकि इस टाइम पे सबके खिचड़ी पक जा रही है तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जा रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों 5 से 6 प्रॉपरली मैं देख के आपके मैसेज वैसेज जो भी है जितना भी हो पाएगा उतना सॉल्व करूंगा, बाकी नेक्स्ट डे देखूंगा, क्लियर है, समझ आएगी बच्चे बात। तो इस चीज़ को फॉलोअप करेंगे तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और तभी इस मेहनत का कोई फायदा होगा, नहीं तो हमेशा आपको यही लगेगा और मुझे भी यही लगेगा कि ढंग से कुछ हो नहीं रहा है, क्लियर है बच्चों। तो मैंने वही कहा कि हर चीज़ का फायदा तभी है जब आपका पेपर निकले और आप बोले हाँ इस कोर्स का मुझे फायदा हुआ, नहीं तो फिर ये सब मेहनत बेकार है बच्चों। तो इसलिए हर वो मैं सुझाव आपको दे रहा हूँ जिससे और बेटर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और मशीनिंग के भी लेक्चर आप लोग आज मिल जाएंगे।